और कहानी कुछ ऐसी है कि आई हैव लॉस्टेड वन मिलियन सब्सक्राइबर इन पास्ट थ्री ईयर्स आज थोड़ा ज़्यादा एडिट था बिकॉज थोड़ा सा आई में इचिंग हो रहा है और नॉट फीलिंग वेल की क्योंकि लैपटॉप के सामने ज़्यादा देर बैठना नहीं है बट कुछ तो बनाना था ऐसा लग रहा था अंदर से फील आता तो कि था मैंने आज की वीडियो बननी है डलनी है तो फिर सोचा था क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए उतने में ये ख्याल आया ख्याल कुछ इस ज़रा है कि आपसे शेयर करने की इच्छा हुई और हम आज की वीडियो उसी में बना रहे हैं तो सोचा कि एक स्टोरी टाइम किया जाए और कहानी कुछ ऐसी है कि आई हैव लॉस्टेड वन मिलियन सब्सक्राइबर इन पास्ट थ्री ईयर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हैव लॉस्टेड इन पास्ट थ्री ईयर्स ओनली इन सर्च ऑफ परफेक्शन मतलब ये एक ऐसी टर्म है आई फील दिस इज़ कर्स फॉर द सोसाइटी फॉर द एनी वन हु वॉन्ट टू अचीव एनी थिंग इन लाइफ क्यों क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं यार मतलब अभी एक लंबे समय बाद मुझे ऐसा फील होता है कि परफेक्शन इज़ द जस्ट रियल शिट जिसके आड़े हम कुछ एक्सक्यूज से बना लेते हैं और कुछ से जो नहीं करना चाहते वो नहीं कर रहा है और बस यू ही चलता रहता है तो कहानी क्या है इसके पीछे कि आपको वो बताता हूँ कि बैक इन 2017 YouTube स्टार्ट किया था बट उस वक्त छोड़ दिया यूट्यूब क्योंकि आई एम फीलिंग कि आई एम नॉट क्रिएटिंग अ परफेक्ट कॉन्टेंट मतलब मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है जबकि मेरा पास कैमरा था नहीं माइक था नहीं तो अच्छा म्यूज़िक नहीं आ रहा साउंड नहीं आ रहा है तो इस चीज़ें सोचते सोचते हमने क्या आज नहीं बनाएंगे यार हफ्ते भर बाद में डाल देते ऐसा ऐसे करते करते हमने यूट्यूब बंद कर दिया अगर मैं टू जनवरी से यूट्यूब करता था तो ये टू में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे पास वन मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स होते थे एंड मेनी थिंग आई वुड हैव टूडे जो मेरे पास आज नहीं है जस्ट बिकॉज कि मैं परफेक्शन के वजह से भागा कि चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए फिर ही हम डालेंगे मतलब एज एन क्रिएटर आप परफेक्शन की भूल भुलिए हमें फंस जाते हो कि यार आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए कैमरा परफेक्ट लाइटिंग परफेक्ट वीडियो परफेक्ट साउंड परफेक्ट हर चीज़ परफेक्ट मतलब एक चीज़ दिमाग में जब तक ये चीज़ परफेक्ट नहीं होगी ना नॉट गुड इनफ अगर परफेक्ट नहीं होगी तब तक ये पब्लिश नहीं होगी मतलब ये ऑडियंस के सामने नहीं जाएगी जब तक ये परफेक्ट नहीं है और उस चीज़ के भागदौड़ में एक वक्त के बाद में आप आपके ख़ुद के काम को पसंद करना छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे काम छूट जाता है और सब चीज़ एक फेड सी होने लगती है आप फिर एक वक्त बाद तो वीडियो ही बनाना बंद बन कर देते हैं मतलब वीडियो तो छोड़ो आप कोई भी टाइप का कंटेंट बनाना बंद बन कर देते हैं तो जस्ट लाइक सेम मेरे साथ में हुआ है बैक इन 2017 फिर मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट किया था बट जब भी मुझे ऐसा फील नहीं आता था मतलब मेरे साथ में वो चीज़ दोबारा हुई कि मैं वीडियो बनाता था उसे दो ही दफ़ा देखता था कि एक जब एडिट कर रहा होता वो और एक अपलोड करने के बाद में कि सब चीज़ सही है ना बाकी फिर मेरा खोल के उसके कमेंट्स पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी और कुछ भी नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट आई एम डूइंग मुझे उस चीज़ में बहुत सारी कमियाँ लगती थी तो उस वजह से मैं खुद के काम को पसंद नहीं कर रहा था उस दफ़ा तो फिर बस आ, डालना इसके लिए डाल रहे थे हमने फिर से छोड़ दिया अभी इस दफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने क्यों स्टार्ट किया ये मोटो पहले क्लियर किया और उसके बाद में स्टार्ट किया और अभी स्टिक टू इट मतलब मैं इस चैनल पर वीडियो इसलिए बनाता हूँ इस जगह पर वीडियो इसलिए बनाता बनाऊँ बिकॉज आई लव मेकिंग वीडियोज़ इट गिव मी फन इट्स लॉट्स ऑफ एंजॉइंग वर्क फॉर मी और यह रिसेंट लंबे समय तक करना है तो नीड्स नेवर लाइक कि मेरे को चीज़ें परफेक्ट चाहिए या एकदम टॉप नॉच चाहिए बस एक मुझे जो बनाना है कि जिसे देख के मुझे खुद को लगे कि दिस इज़ द वर्थ वॉचिंग किसके पाँच मिनट लेना और उससे बात करना और वो देख के बोले कि नहीं भाई कि मेरे भाई की वीडियो देखी और इट्स गुड इनफ़ टू वॉच और मुझे कुछ सीखने मिला कुछ अच्छा लगा वीडियो देख के इट एंटरटेनमेंट्स में इट टीचर्स में समथिंग बस हमारा उतना ही गोल है तो कभी अभी ना मैं इस चीज़ के पीछे नहीं भागता कि यार कैमरा कितना परफेक्ट है या एंगल सही शूट हुआ है ना या ये वो तो परफेक्शन की जो एक दौड़ थी हमने वो ख़त्म करी और उससे बहुत सारी चीज़ें आई एम अचीविंग कि अगर मैं परफेक्शन करता था तो मैं चेंज नहीं देखता था मतलब दिस इज माई ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स थर्टी सेवन्थ वीडियो तो लास्ट जो फर्स्ट वीडियो थी अभी तक मैंने इतना कुछ सीखा है नया नया इतना कुछ चीज़ें बदली है मुझ में कि आई कैंट इवन एक्सप्लेन तो सो सुपर हैप्पी विथ इट और एक चीज़ बोलूँगा आपको कि लाइफ में अगर कर कुछ करना है तो जस्ट गो एंड डू इट नेवर रन बिहाइंड अ परफेक्शन मतलब इट विल रून योर वर्क यूर गोल्स एंड एवरी थिंग क्योंकि परफेक्शन मिलता नहीं है ऐसा कुछ होता ही नहीं है आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इससे रिलेटेड पता नहीं मुझे कि आप लोगों में से कितने लोग म्यूज़िक में हो बट मुझे हमेशा से नहीं यूट्यूब की गेम या इंस्टाग्राम की गेम ना एक कॉन्सर्ट जैसी लगती थी या एक म्यूज़िक एल्बम जैसा लगता था कि यार यहाँ पर आपको आपका हंड्रेड परसेंट देना है अगली वीडियो में तो मैं मेरा मतलब सब डाल दूँगा पूरा उतार दो हंड्रेड परसेंट और वीडियो द बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए हर एक्सपेक्ट में और वो नहीं किया तो मतलब आपकी जॉब जा सकती है आपका जो एक करियर है वो ख़त्म हो सकता है जस्ट लाइक इन म्यूज़िक मेरे को ऐसा फील होता था बट बड़े लंबे समय के बाद बहुत किताबें पढ़ने के बाद मैं बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत क्रिएटर से मिल बात करने के बाद मुझे ये एक चीज़ फील हुई कि यार ये ना वो कॉन्सर्ट या एल्बम नहीं है ये तो वो डेली शाम को पाँच बजे का प्रैक्टिस है जो आई यूज टू तो डू एंड लव और इन्जॉय दैट वर्क मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक शाम में बैठ के आप पूरा एक गाना लीढ़ पे बना लो पूरा एक ढूंढ लो एक कोई नया म्यूज़िक बना लो और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक लाइन के अल्फाज बजाते नहीं आते हैं गिटार पे। मैं गिटार बजाता हूँ इसके लिए आई रिलेट विद डैट तो एक अल्फाज आपको बजाते नहीं आ रहा है और उस वजह से होता है ऐसा मैनी टाइम्स कि आपने जस्ट उठाया गिटार और एक आपको सी मेजर का स्केल बजाना पर आप नहीं बजा पा रहे हो तो दिस इज़ लाइक दैट कि कभी कभी आपकी वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज़ क्रॉस कर देगी कभी कभी आपको बहुत कुछ दिला देगी द पीपल विल गॉन लव और कभी कभी ऐसा होगा कि आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था उस चीज से बट वो उतना डिलीवर नहीं करेगी तो नेवर गेट डीमोरलाइज वेट दैट क्योंकि वो सबसे ख़राब चीज़ है यार आपकी लाइफ में यू आर डूइंग वर्क फॉर योर सेल्फ फॉर योर फन और वो उसी के लिए करो जिसके लिए आपने स्टार्ट की थी नहीं वो रन बिहाइंड नंबर्स और द परफेक्शन इन योर क्वालिटी मतलब मैं वीडियो से इतने परफेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखने का तो मुझे लगे दिस इज़ द वर्थ मेकिंग एंड वर्थ वॉचिंग बस आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी एंड कोई क्रिएटर को हेल्प मिले इससे या कोई परफेक्शन की दौड़ में भाग रहा हो और अपनी कोई एकदम खास चीज़ करने से छोड़ रहा हो तो होप कि वो परफेक्शन से थोड़ा सा हट के अपने काम पे तो कॉन्सेंट्रेट करें और काम करें क्योंकि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो स्टार्टिंग में परफेक्शन अचीव करना तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ना तब आपके उसमें एक्सपीरियंस है और ना आपको पता है कि कैसे काम किया जाए हाउ टू प्रोड्यूस दैट क्वालिटी ऑफ वर्क तो उस वजह से आपका स्टार्टिंग में परफेक्शन अचीव करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और स्टार्टिंग में ही आप परफेक्शन की वजह भाग के चीज़ को छोड़ देते हो तो नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग बिकॉज कि वो उतने परफेक्ट सिम नहीं कर रही है लेट इट बी योर वीडियो कंटेंट योर एनी टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ कंटेंट और योर एनी टाइप ऑफ जॉब स्टार्टिंग में ना आप बस सीखते हो चीज़ें करके जो मैं आज भी कर रहा हूँ और एक आप अच्छे लेवल पर पहुँचने सीखते ही हो परफेक्शन कभी नहीं आता है इट्स जस्ट कि थिंक आप आपसे एक स्टेप से लेवल अप करो यू आर गेटिंग परफेक्ट देन योर पास्ट डे एंड आई एम एवरी डे एवरी मिनट गेटिंग परफेक्ट फ्रॉम माई पास्ट वन तो जस्ट गेट हैप्पी इन इट और करते रहो जिसके लिए आपने स्टार्ट किया था जो आप कर रहे हो नेवर मिस आउट ऑन द थिंग्स विच यू लव और आलवेज़ हैव एन दैट शॉर्ट ऑफ फीलिंग माइंड में कि यार हमने एक पसंद कर दें इसके लिए स्टार्ट किया नॉट के परफेक्ट और अच्छे सा अप्रीशिएशन मिले बिकॉज दैट विल डिस्ट्रॉय योर होल वर्क होल मूड तो आज के लिए बस इतना ही होप आपको पसंद है यो पसंद है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा और आपने कहीं परफेक्शन की दौड़ में अगर कुछ चीज़ को मिस किया हो तो वो भी लिखिएगा एंड जस्ट कमिट कि यार आज से आप जो भी करोगे उसमें आपको आपका काम जरूरी है वो कितना परफेक्ट है स्टार्टिंग में इसके पीछे नहीं भागना है और जस्ट डू दैट वर्क तो घर पर रहे सुरक्षित रहे सेफ रहे होप करेंगे कि आज की वीडियो को एडिट करने के लिए कम टाइम लगे क्योंकि ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम नहीं करना है बैठना नहीं स्क्रीन के सामने थोड़ा सा आँख ईशिंग हो रहा है इसलिए बाकी सब ऑल फाइन आप कैसे ठीक है घर पर सुरक्षित रहे वो बाय टेक केयर बताते लाइक कर दे अगर वीडियो पसंद आई हो तो नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दो बट दोनों में से कुछ तो वेक करके जाना thank you.